आ गए हैं यमला पगला दीवाना फिर से लेकर धर्मेंद्र सनी और बॉबी देओल। जानिए क्या है इन बाप बेटों की तिकड़ी का बॉक्स ऑफिस पर कमाल और क्या है फिल्म की टुडेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। इस तरह की खबरें लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस करना ना भूलें बेल आइकन। सुपरस्टार धर्मेंद्र सनी और बॉबी देओल स्टारर फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से का क्रेज दर्शकों में देखते ही बन रहा है। दर्शक इस फिल्म को बेहद प्यार दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म अपनी फ्रेंचाइजी की पहली दो फिल्मों से बेहद बेहतरीन है, जिसमें धर्मेंद्र एक ऐसे शख्स के किरदार में है जो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर है लेकिन काफी रंगीन मिजाज है। वहीं सनी देओल एक वैद्य के किरदार में है और बॉबी देओल का नाम है काला, जिनके डायलॉग्स इस फिल्म से काफी मशहूर हो रहे हैं। फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन तीनों की तिकड़ी मिलकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहुंच जाती है गुजरात और एक्टिंग करती है गुजराती होने की, जहां क्रिएशन होता है बहुत सारी कॉमेडी का। फिल्म की कहानी के साथ साथ यदि फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी चर्चा की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने रिलीज के दो ही दिनों में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 7,19,00,000 रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए अब इन खबरों से इजाजत। मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।